अगर हम आपसे कहें कि ये गरीब आदिवासी महिला जिसके खाने के लाले पड़े हों, उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, तो शायद आपको हमारी ये बात मजाक ही लगेगी। लेकिन ये बात सच साबित हुई है। संजू देवी मीणा नाम की इस महिला के पास जयपुर दिल्ली हाईवे पर करोड़ों की जमीन थी, लेकिन इस महिला को इस बात का पता ही नहीं था। मामले का खुलासा तब हुआ जब जयपुर से इनकम टैक्स विभाग के अफसर जयपुर दिल्ली हाईवे के किनारे इन जमीनों पर लगे पेड़ और खंभों पर पोस्टर चस्पा करने लगे। इन पोस्टरों में साफ लिखा था कि ये 64 बीघे की बेनामी संपत्ति संजू देवी मीणा के नाम पर है, लेकिन संजू देवी मीणा की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो जमीन को खरीद सकें, लिहाजा आयकर विभाग इस संपत्ति को बेनामी घोषित करते हुए बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत इसे जब्त कर रहा है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़ियों के पीछे 64 बीघा जमीन पर इनकम टैक्स ने नोटिस लगा दिया है, बेनामी घोषित कर दिया है। इस तरह से यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें लिखा गया है कि ये जमीन जो है संजू देवी के नाम है, लेकिन संजू देवी के पास की इतनी हैसियत नहीं है कि इतनी बड़ी संपत्ति की मालिक बन सकें। वो सीकर जिले के नीम के थाना के गांव में रहती हैं, उनके नाम पर इस तरह से बेनामी संपत्ति का इनकम टैक्स विभाग ने बोर्ड लगा दिया है कि यह अचल संपत्ति बेनामी संपत्ति सम्यवहार निषेध अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो बिजली के पोल है, वहाँ भी लगाया गया है। इसके अलावा आपकी नज़र जाए तो पेड़ों के पर भी ये नोटिस चस्पा किया गया है, यानी इसके अलावा इस इलाके में कई ऐसी जगह हैं जहां पर इनकम टैक्स ने उन ज़मीनों को चिन्हित करके घोषित किया है कि इन ज़मीनों का मालिक कोई नहीं है, क्योंकि जो मालिक है उसको पता नहीं है कि हमारी ये ज़मीन है, और साथ ही कभी उसने आयकर रिटर्न भी नहीं भरा है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। वो खुद भी चौंक गई कि हमारे नाम इतनी ज़्यादा संपत्ति है। दरअसल आयकर विभाग को शिकायत मिली थी कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ी संख्या में दिल्ली और मुंबई के उद्योगपतियों ने आदिवासियों से फर्जी आदिवासियों के नाम से जमीनें खरीदी हैं, जिनका कागजों में लेन देन हुआ है। कानून के मुताबिक आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है, लिहाजा इन बेशकीमती जमीनों पर अपना अधिकार जमाने के लिए उद्योगपति अपने जानकार लोगों से पावर ऑफ अटॉर्नी करवा कर रख लेते हैं। इसके बाद जब इनकम टैक्स विभाग ने जमीन के मालिकान की खोज शुरू की तो पता चला कि 64 बीघे की बेशकीमती जमीन की मालकिन सीकर जिले के नीमका थाना के दीपावास गांव में रहती हैं। जांच में पता चला कि संजू देवी को ये पता ही नहीं था कि उनके नाम पर इतनी बड़ी संपत्ति भी है। संजू देवी के पति की मौत पहले ही हो चुकी है, कोई अनजान शख्स उन्हें 5,000 रुपए हर महीने दे जाता था जिससे उनका गुजारा होता था। संजू देवी अपने 2 बच्चों को पालने के लिए खुद भी मजदूरी करती हैं। आयकर विभाग इसी तरह से अब तक 1400 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर चुका है, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। बेनामी संपत्ति का एक जाल बिछा हुआ है जिसका जो दिल्ली मुंबई में बड़े बड़े घराने हैं वो इस तरह से काली कमाई को इन्वेस्ट किया है इन्होंने किसी दूसरे के नाम पर। अब जाके इनकम टैक्स इन चीज़ों को निकाल कर सामने आ रहा है, साथ ही जब्त कर रहा है। कहा जा रहा है कि 1400 करोड़ रुपए की जमीन इस इलाके में अब तक जब्त की जा चुकी है, जिसमें से 69 जो प्रॉपर्टीज़ है उसको जो अपीलित अथॉरिटी है उसने घोषित कर दिया है कि बेनामी है और उसे सरकार ने अपनी संपत्ति मान ली है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर दिल्ली हाईवे आज तक।